वेलकम बैक गाइस माय न्यू ब्लॉग। जो आज का ब्लॉग होने वाला है, मैं गाड़ी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत है और कंपनी की भी कुछ शायद कमी रह गई है। तो गाइस मैं दिखाता हूँ क्या क्या मेरे को गाड़ी में दिक्कत आ रहा है। चलो गाइस अब मैं आपको दिक्कत दिखाता हूँ। गाइस ये है रॉयल इनफील्ड रिवॉन 350 क्लासिक जो हाल ही में निकली है। इसमें गाइस थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे लगी, जैसे इसकी पेंट क्वालिटी को लेकर। गाइस देख सकते हैं आप, इसका पेंट अभी से निकलना शुरू हो गया। यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ पे भी, ये देखिए गाइस, और यहाँ पे भी। और दूसरी इसकी दिक्कत है, इसमें जो इसका ये लगा है ये अभी भी हिलता है। अगर मैं गाड़ी को ज़्यादा एक्सलेट करूँ तो ये बजने लगता है, कैसे आवाज़ मारता है बहुत तगड़ा वाला। और गाइस इसके ब्रेक शू में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर मैं इसको हल्का सा घुमा के ब्रेक मारता हूँ तो ये चूँ 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 आवाज़ निकालने लगता है। और गाइस इसकी रिम क्वालिटी भी देख सकते हैं आप, कैसे ये पेंट छोड़ रहा है, देखिए गाइस। और ये ज़्यादा दिन की भी दिक्कत नहीं है, ये मैं हाल ही में ही लिया था इसको, 2023 ऐसे फर्स्ट लिया था। फिर भी मैंने गाइस इस बाइक को बहुत ज़्यादा चला लिया है, हिसाब से भी ज़्यादा। देख सकते हो गाइस मैंने कितना इसको चला लिया, 10,000 के करीब मैंने इस बाइक को चला लिया है। और गाइस इसके साइलेंसर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये कुछ दिन चलने के बाद ही ये ख़राब हो गया, ये हिलने लग गया। और मैं इसको सर्विस में भी लेके गया था पर सर्विस वालों ने बोला ये आपने खोल के चेंज किया, पर मैंने इस साइलेंसर को अभी तक चेंज नहीं किया, अभी भी कंपनी फिटेड है मेरे गाड़ी में। और गाइस ये इतनी ओवरहीट करती है क्या बताओ, गर्मी के टाइम में तो आप इस बाइक को चला नहीं पाओगे क्योंकि इसका इंजन ही इतना बड़ा है, क्या ही बोलूँ गाइस, बहुत बड़ा इंजन है और इसकी इंजन इतनी हीट करती है, हद से ज़्यादा हीट करती है। गाइस इतना ही था मेरा ब्लॉग आज का। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने छोटे भाई समझ के। बाय बाय गाइस।